नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म। मैं अरविंद मिश्रा और हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य क्यों आसान है, क्यों रुचिकर है और क्यों आनंद देने वाला विषय है। आइए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए PYQ, उसके माध्यम से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ये अक्सर देखा होगा कि जो हिंदी साहित्य है उसमें लिखने वाले जितने भी बड़े लेखक, रचनाकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, कवि, उन्होंने जो कुछ लिख दिया, अब उसमें नई बातें तो जुड़ती नहीं है। उन्हीं बातों से, मान लीजिए उस काल में कबीर ने कुछ लिख दिया, सूरदास ने लिख दिया, प्रेमचंद ने लिख दिया, जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया, अब एक नए अंदाज में प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर आज भी प्रासंगिक क्यों हैं, तुलसीदास आज भी प्रासंगिक क्यों हैं, या जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी आज भी क्यों प्रासंगिक है। अब इसको जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए, अगर आपने इन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया है, तो आप कई तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कामायनी क्यों प्रासंगिक है, ये समझने के लिए कामायनी का अगर दर्शन आप सीख गए, समझ गए, तो कामायनी आज भी प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? तो इस रचना में जो विचार है वो आज भी रेलिवेंट है, आज मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। प्रश्न पूछा गया, कई वर्ष लगातार कामायनी के दर्शन पर चर्चा करें या कामायनी क्यों आज मनुष्य के लिए आवश्यक है, कामायनी क्यों प्रासंगिक है, कामायनी आज भी किस प्रकार मानवता का संदेश देती है, यानी आप कह सकते हैं कामायनी का उद्देश्य भी। इस बात को समझने के लिए मैं एक डायलॉग से बात शुरू करता हूं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का उपनिषद है। कामायनी आधुनिक साहित्य का उपनिषद है। एक तो ये डायलॉग, दूसरा डायलॉग कि जो स्थान भक्ति काल के साहित्य में रामचरितमानस को प्राप्त है, जो स्थान रामचरितमानस को प्राप्त है, वही स्थान कामायनी को प्राप्त है। और इसीलिए कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के रचनाकार थे, तो कामायनी को छायावाद की शिखर रचना कहा गया। अब पहले तो इन तीन बातों को समझ लीजिए, भक्ति काल की श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस तुलसी की है और छायावाद की श्रेष्ठ रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। उपनिषद का काम, उपनिषद का अर्थ हम लोग बचपन से पढ़े हैं, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना। जिस प्रकार गुरु का ज्ञान जीवन के अंधकार को खत्म करता है, जीवन की विषमताओं को, जीवन की समस्याओं को खत्म करता है, उसी प्रकार कामायनी
उपनिषद है क्योंकि आज के मनुष्य के लिए यह गुरु ज्ञान है। यानी इस रचना को जो पढ़ जाए तो आज के जीवन में भी ये रचना उतनी ही प्रासंगिक है। इसका मर्म समझ लिया तो समझिए आपने उपनिषद को जान लिया, आपने गीता को समझ लिया। अब आइए बात करते हैं कामायनी क्यों प्रासंगिक है। तो जिस प्रकार उपनिषद आज भी प्रासंगिक है, उपनिषद के कई डायलॉग हम लोग आज भी देते हैं, हमारी न्यायपालिका पर, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी उसके डायलॉग उतने ही महत्वपूर्ण हैं, सत्यमेव जयते, या फिर असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, सत्य की ही जीत। तो जैसे उपनिषद के ज्ञान आज भी महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, उसी प्रकार कामायनी का ज्ञान, कामायनी का संदेश, कामायनी के जो विचार हैं आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कामायनी का जो विचार है जिसे हम और आप दर्शन कह लें, उस दर्शन को नाम दिया गया शैवाद्वैतवाद। उसी दर्शन को एक और नाम दिया गया समरसतावाद। उसे ही नाम दिया गया आनंदवाद। उसे ही नाम दिया गया कामाध्यात्मवाद। उसे ही और कई नाम दिए गए जैसे कश्मीरी शैववाद या शैववाद। अब देखिए ये सुनने में कितना जटिल लग रहा है, सुनने में वाकई जटिल है, लेकिन जरा शब्द को तोड़ दीजिए। यानी कामायनी का जो संदेश है, कामायनी का जो विचार है, जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसी रचना लिखी, 15 सर्गों में ये रचना लिखी गई है, इसके 3 पात्र महत्वपूर्ण हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा। ये सब हम लोग जब क्लास रेगुलर करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे क्या मतलब, क्यों ऐसा, किस लिए। लेकिन कामायनी कहती है कि समरसता चाहिए, कामायनी कहती है आनंदवाद चाहिए, कामायनी कहती है कि काम को अध्यात्म से जोड़ो, कामायनी कहती है शैवाद्वैत, शिव को अद्वैत से जोड़ो, जीवन से जोड़ो, शिव किसी चीज में भेद नहीं करते। अब जरा विचार कीजिए कि जो समरसता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कामायनी क्यों प्रासंगिक है, कामायनी का संदेश आज के मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कामायनी आज जीवन के लिए क्यों जरूरी है, कामायनी की प्रासंगिकता या कामायनी के दर्शन पर चर्चा करें, उसके उद्देश्य पर चर्चा करें कई साल लगातार। समरसता का अर्थ क्या होता है? विषमता से मुक्ति। विषमता से मुक्त हो जाना ही समरसता है, यानी समता है, समानता है। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरा विश्व विषमता का शिकार है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कहीं जाति वर्ण भेद है, कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर के समाज में विषमता है, यानी सामाजिक आर्थिक विषमता के साथ साथ कहीं वैचारिक विषमता है। हम भारत वाले आध्यात्मिक लोग हैं, धर्म के सहारे आज भी चलते हैं, और पश्चिम वाले विज्ञान के सहारे चलते हैं। पश्चिम में विज्ञान है, हमारे यहाँ धर्म आध्यात्म है। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग धर्म को मानते हैं वो विज्ञान को अस्वीकार कर देते हैं, और जो वैज्ञानिक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो धर्म में विश्वास ही नहीं,
मैं परलोक में आस्था नहीं रखता, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। कुल मिलाकर आज का विश्व विषमता की पीड़ा से चालित हो रहा है, उसी दंश से जी रहा है, विषमता के कारण ही पूरा विश्व झेल रहा है। इसलिए कामायनी कहती है कि विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान। बात को पकड़िएगा, हमारा जो विश्व है वो महान है। मानव जन्म ही अपने आप में दुर्लभ है। तुलसी कहते हैं बड़ा भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्य योनि में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मनुष्य महानतम प्राणी है, इसलिए मानव से बना हुआ विश्व वाकई महान है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है विषमता। विषमता के कारण ही जीवन में मंगल नहीं है, जीवन में कहीं भी अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती। लोग मार काट कर रहे हैं, कहीं आतंकवाद है, कहीं अलगाववाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं परमाणु विस्फोट है, कहीं वैश्विक युद्ध की समस्याएं हैं, कहीं रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, कहीं भारत और इसके सीमावर्ती देशों के साथ समस्याएं चल रही हैं। अब ऐसे में यदि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है, तो कामायनी कहती है रचना कि इस विषमता को समरसता से खत्म किया जा सकता है। और समरसता अगर आ गई तो समझिए कि जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए कामायनी कहती है, क्या कहती है, कि काम मंगल से मंडित श्रेय। यह रचना कहती है, यह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली। यह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली। पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। यह इसलिए रचना लिखी गई क्योंकि विषमताओं का नाश किया जा सके, सामाजिक भेद को, वैश्विक भेद को खत्म किया जा सके, और तब पूरे संसार का मंगल हो, पूरे संसार की रक्षा हो, पूरे संसार के मानवों का कल्याण हो, इस उद्देश्य से ये रचना लिखी गई। जाहिर सी बात है कि कामायनी का दर्शन अन्य दर्शनों का विरोधी है। कामायनी का दर्शन अन्य दर्शनों का विरोधी है, जो समाज को बांटते हैं, जो समाज को विषमता से जोड़ते हैं। इसलिए कहा गया, यह माना गया, आलोचकों ने कहा कि जो कामायनी में विचार है वो ये मानता है कि आप शैववाद या शैवाद्वैतवाद या समरसता को समझें। कामायनी अन्य दर्शनों का विरोधी है। कौन से दर्शन? जो मानव को बांटते हो, जो मनुष्य को कर्म से दूर ले जाते हैं। अब जरा सोचिए, पहले हम लोग जितनी भी रचनाएं पढ़ते थे तो उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां होती थी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे हाथ पांव नहीं हिलाने से भी जब वही जीवन जीना है, और हाथ पांव हिला करके भी वही जीवन जीना है, तो मेहनत करके क्या होगा? कुछ लोगों ने सिखा दिया, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये कलेक्टर बन के भी क्या करोगे, मरना तो है ही। अब जब मरना है तो लोगों ने कहा कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसे क्या छाती पे लेके जाओगे? अर्थात लोगों ने कर्म को त्याग करने के विषय में सोचा, कहा कि कहां काम धाम, क्या करेंगे। आप जैसे कलेक्टर बनने वाले लोगों को किसी ने भ्रम में रख दिया, क्या कहा,
कह दिया कि जो पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, जो ना पढ़तव्यम वो भी मर्तव्यम, तो दंत कटाकट किम कर्तव्यम, पढ़ने वाला भी मरेगा नहीं पढ़ने वाला भी मरेगा, तो दांत किटकिटाने का क्या लाभ, मरना तो है। और इसीलिए कामायनी उन सभी दर्शनों का विरोधी है जो मनुष्य को आपस में बांटते हों, मनुष्य को कर्म नहीं करने देते। जो दर्शन यह सिखाते हों कि संसार मिथ्या है, जीवन नश्वर है, अब जरा सोचिए कामायनी इनका विरोध करती है। पहले के दर्शनों में यह कह दिया गया कि संसार मिथ्या है, जैसे कबीर ने माना यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कबीर ने कहा जीवन नश्वर है, कह दिया चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे अनक हुए। अब हमें और आपको लगने लगा या इस टाइप के विचारों से लगने लगा कि संसार तो मिथ्या है, जीवन नश्वर है, मनुष्य को तो मरना ही है, मृत्यु अटल सत्य है, तो भला हाय हाय क्यों करें, काम क्यों करें। ऐसे में कामायनी यह कहती है कि संसार सत्य है, और सत्य ही नहीं सुंदर भी है, और साथ ही मंगलकारी भी है। जो शैवाद्वैत दर्शन है दोस्तों, उसमें तीन शब्द आपस में मिले हुए हैं। शैवाद्वैत दर्शन में तीन शब्द आपस में मिले हुए हैं, कौन कौन से शब्द, सत्यम शिवम सुंदरम। जरा पकड़िए इन बातों को और देखिए कि ये रचना क्या नई समझ में आई है, इसका दर्शन नहीं समझने लायक है या बिल्कुल सहज है। तो कामायनी का दर्शन सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। पहले एक डायलॉग सुनिए, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे क्या वो कलेक्टर बनेंगे, और जब मेहनत नहीं करेंगे आप आईएएस नहीं बनेंगे, तो इधर उधर नौकरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक गला फाड़ के चिल्लाना पड़ेगा, है ना, मेरी ओर मत देखिए, बिल्कुल मैं भी उसी का अंग हूं। लेकिन अगर मेहनत करके आप आईएएस बन गए, आपने कर्म किया, आपने मेहनत की, इस मेहनत से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आपने ज्वाइन किया, आप आईपीएस बन गए इंडियन पुलिस सर्विस, आपने यूपीएससी में सिलेक्शन ले लिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्म किया आपने, मेहनत की आपने, आईएएस बन गए, तो आईएएस बनते ही क्या आपका जीवन सुंदर होगा? आईएएस बनते ही माफ कीजिएगा लेकिन पत्नी सुंदर मिलेगी, बच्चों का भविष्य आप सुंदर बना पाएंगे, पूरा आपका परिवार एक अच्छी जगह पर, एक सुंदर जगह पर पहुंचेगा, आपकी सात पीढ़ियां तर जाएंगी, इतना ही नहीं आपके आसपास का परिवेश भी बड़ा सुंदर हो जाएगा। कामायनी कहती है कि संसार सत्य है, संसार क्या है, सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। इस सत्य को वही समझता है जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले का जीवन ही सौंदर्य से भर जाता है, और जो मेहनत नहीं करते
उनका जीवन विद्रूप हो जाता है, कुरूप हो जाता है। इसीलिए आप लोग एक डायलॉग देते हो कि स्वर्ग एवं नरक दोनों यही है। तो मैं कहता हूं एक गाने के तर्ज पर कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया रोटी नहीं देगी, लंगोटी नहीं देगी। लंगोटी यानी इज्जत। ये कामायनी सिखाना चाहती है कि मेहनत करो, ये समझ करके कि संसार सत्य है, जीवन अभी लंबा जीना है। जन्म लिया है तो कम से कम 80-90-100 वर्ष जिएंगे, और जब हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो न केवल अपना जीवन सुंदर बनाएंगे, अपने पूरे परिवेश को सुंदर बनाएंगे, पूरा संसार सुंदर होगा। फिर ऐसे लोगों के लिए संसार मिथ्या नहीं, चारों ओर सुंदर, चारों ओर सौंदर्य, ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैंने जीत लिया इस जहान को। इसलिए कामायनी का पहला संदेश है कि संसार मिथ्या नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि संसार मिथ्या है, जीवन नश्वर है, कामायनी का दर्शन जो शैवाद्वैतवाद है, जो समरसता है, वो दर्शन कहता है कि संसार से भागो मत, जीवन से भागो मत, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो जीवन में सौंदर्य आएगा। जीवन में सौंदर्य आने का अर्थ ही चारों ओर मंगल ही मंगल, शिव का अर्थ कल्याण, मंगल। इसलिए कामायनी का संदेश है, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से बरामंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यदि संसार में आनंद चाहते हो तो अपने को जड़त्व से मुक्त करो, मेहनत करो, जीवन में चेतना लाओ, परिश्रम करो, कलेक्टर बनो, फिर आपका जीवन भी सुंदर, आपके बच्चों का भविष्य भी सुंदर, पूरा परिवार, आपकी 7 पीढ़ियों का भविष्य सुंदर। अब संसार कैसे सुंदर होगा? आप अकेले अगर मेहनत करके कलेक्टर बन गए तो लोगों को लगने लगता, अरे भैया या दीदी मेहनत करके देखो कलेक्टर बन गए, आईएएस आईपीएस बन गए, आपके आसपास के लोग भी मेहनत करना शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग आईएएस बनने के लिए बंद कमरे में दिन रात मेहनत करते हैं, क्या वो चोरी डकैती करेंगे? क्या वो बलात्कार व्यभिचार करेंगे? क्या वो कोई अपराध करेंगे? तो क्या पूरे संसार में शिवत्व, कल्याण और मंगल की स्थापना होगी? यानी एक डायलॉग, जो लोग मेहनत करते हैं वो न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सौंदर्य से भर देते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो या तो दूसरों की मेहनत पर कब्जा जमाते हैं, दूसरों की मेहनत भकोसते हैं, या फिर ईश्वर के सहारे बैठे रहते हैं, कहते हैं कि भाई वो है ऊपर वाला, वही सब कुछ देखेगा। तब हम लोग डायलॉग देते हैं कि हुई है वही जो राम रची राखा। अरे तुलसी की सिर्फ एक पंक्ति क्यों आपने समझ ली, हुई है वही जो राम रची राखा? तुलसी ने नीचे भी लिखा, जो जस करही तस फल चाखा, जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, आम के वृक्ष लगाइए मीठे फल मिलेंगे। यानी कामायनी का जो पहला संदेश है कि संसार से और कर्म से भागिए मत, बल्कि संसार में रहना है तो मेहनत कीजिए, इसी से पूरा संसार आनंद को प्राप्त होगा, इसी से पूरा संसार शिवत्व को प्राप्त होगा, कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होगा। छोटी सी बात, कामायनी का दर्शन, कामायनी का विचार पुराने उन सभी दर्शनों का विरोध करता है जो संसार को मिथ्या मानते हैं, जीवन को नश्वर मानते हैं, और कहते हैं कि कर्म करके क्या होगा। दोस्तों, जो कामायनी का दर्शन है, या कामायनी इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि कामायनी रचना ये कहती है कि इच्छा का आदर कीजिए, ना कि निषेध।
अब पकड़िएगा इस बात को, जितने भी पुराने दर्शन थे गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छा दुखों का कारण है। आपने पढ़ा है दुख समुत्पाद सिद्धांत, संसार में सतत दुख है और दुख का कारण इच्छा है, और इसीलिए इच्छा त्याग दो, वासना कामना त्याग दो। अगर हम इच्छा और कामना त्याग देंगे तो कलेक्टर कैसे बनेंगे? दूसरी तरफ इसके विरोध में कामायनी कहती है कि इच्छा आवश्यकता की जननी है, आवश्यकता कर्म की जननी है। आपने सुना है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इच्छा शक्ति होगी तभी तो व्यक्ति कर्म करेगा, और कर्म करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। इसलिए कामायनी का दर्शन कहता है काम मंगल से मंडित श्री सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो यह भवधाम। क्या कहती है रचना? काम मंगल, जो काम करेगा उसके जीवन में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। तो काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। बात को पकड़िए, पहली लाइन में देखिए कितना गंभीर अर्थ है कि जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, उसी के जीवन में मंगल होगा, उसका भला होगा। लेकिन इन सब का श्रेय किसको जाता है? इच्छा को। यानी इच्छा का ही परिणाम है जीवन में कल्याण, और कल्याण तभी होगा जब कर्म करेंगे। काम की प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा इच्छा शक्ति से मिलती है। इसके नीचे की पंक्ति है तिरस्कृत कर तुम उसको, किसको तिरस्कृत कर तुम उसको? इच्छा का जो लोग तिरस्कार कर देते हैं, कहते हैं कहाँ इच्छा, अगर इच्छा शक्ति मर जाए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इच्छा ही नहीं है। लोग कहते हैं जीने की इच्छा नहीं है, मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो क्या वो पढ़ेंगे? क्या वो मेहनत करेंगे? पिताजी के मन में इच्छा ना हो, इच्छा शक्ति ना हो मेहनत करने की, तो क्या आपको महानगरों में शहरों में रखकर पढ़ाएंगे? पिताजी के मन में इच्छा शक्ति ना हो तो क्या वो मेहनत करेंगे? क्या वो ओवर टाइम करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या जीवन में चारों ओर निराशा आएगी, असफलता आएगी? अरे हाँ या ना? तो कहते हैं प्रसाद कामायनी में कि तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो यह धाम, असफल बनाते हो भवधाम। इस संसार में वही असफल हैं जो इच्छा शक्ति को त्याग देते हैं, जो कर्म नहीं करते। जो कर्म नहीं करेंगे उनका जीवन कुरूप होगा, विद्रूप होगा, असफल होगा और नरक के निकट होगा। लेकिन मेहनत करके कलेक्टर बन जाइए तो सब कुछ सुंदर। इसलिए कामायनी कहती है सुंदर है सुमन, सुंदर है मानव, सुंदर है जीवन, और हे मानव तुम सबसे सुंदरतम। बस समझना होगा कि इस सौंदर्य को हासिल कैसे करना है, मेहनत से। इसलिए कामायनी देखिए क्या कहती है, कहती है कि यह प्रकृति, पूरा जो संसार है, परम रमणीय है। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। एक ही लाइन में आप लोग लिखिएगा, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें, इसलिए मैं दो तीन पंक्तियों में एक पंक्ति को लिख पा रहा हूं।
बात को पकड़िए, ये प्रकृति जो है, ये जो संसार है वो कैसा है, तो रमणीय है, बहुत मनमोहक है, बहुत सुंदर है, अखिल ऐश्वर्य भरी, अकूत संपदाओं से, वैभव से भरी हुई है। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो मेहनत करेगा, तुम उसका पटल खोलने को, हो परिकर कसकर बन कर्मलीन। ये पूरी प्रकृति, ये पूरी धरती, ये पूरा संसार अखिल ऐश्वर्य से भरा है, अकूत संपदाएं धरती के नीचे छिपी हुई हैं। याद रखिए, उसी के लिए ये संपदाएं हैं, जो कर्म करते हैं, जो अपने पौरुष से जीते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनके लिए पूरी वसुंधरा भोग के लिए है। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा। यदि तुम धरती पर मेहनत करोगे, उसके नीचे क्या है ये जानने की कोशिश करोगे, परिकर यानी चारों ओर से, कसकर यानी कमर कसकर, जब आप कर्मलीन कर्म करेंगे तो पूरा संसार सुंदर है, पूरी पृथ्वी सुंदर है, पूरी प्रकृति सुंदर है। इसे ही सूफी पंथ, इस्लाम पंथ में कहते हैं सुभान अल्लाह। पूरी कायनात सुंदर है उसके लिए, जीवन सुंदर है, और इसे ही शैवाद्वैतवाद में सत्यम शिवम सुंदरम, सब कुछ सुंदर है। बस जानने की तो कोशिश कीजिए, मेहनत तो कीजिए। मेहनत के लिए क्या जरूरी है? मेहनत के लिए क्या जरूरी है? इच्छा। अगर इच्छा शक्ति होगी तो याद रखिए, जीवन में मंगल आएगा। किससे मंगल? काम करने से। ये जो जीवन का मंगल या जीवन का सौंदर्य, किसका परिणाम है? इच्छा का। और जो इच्छा को त्याग दे, उसका जीवन कैसा होगा? असफल होगा। दोस्तों, ये रचना उन दर्शनों का भी विरोध करती है। पहले के दर्शन में कहा गया कि काम को त्याग दो, काम यानी सेक्स, भोग को त्याग दो, अब जरा पकड़िए, अगर व्यक्ति काम करना छोड़ दे, अगर व्यक्ति भोग करना छोड़ दे, तो क्या जीवन असफल नहीं हो जाएगा? गीता रचना कहती है कि काम तो कीजिए पर फल की चिंता छोड़ दीजिए। निष्काम कर्म दर्शन, गीता का दर्शन क्या है? निष्काम कर्म दर्शन। मेहनत कीजिए, अरे मेहनत हम करेंगे, फल कोई और भोगेगा। दिन रात एक करके पसीना बहा के मैं आपको पढ़ाऊं और मेरा घर ना चले तो मैं अगली क्लास लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा, है या ना? ऐसे ही आप मेहनत करके कलेक्टर बन जाएं, और कलेक्टर बनने के बाद फिर मेहनत करें, ऑफिस जाएं, पूरा समाज कल्याण देखें, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी का मतलब समझें, लोक कल्याणकारी राज्य का अंग बने, संवैधानिक मर्यादा की रक्षा करें, जो शोषित पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उन तक आप सरकारी नीतियों का अधिकतम लाभ पहुंचाएं और सरकार आपको पैसे ना दे, तो क्या आप फिर से कर्म करेंगे? नहीं करेंगे। यानी जरूरी है कि व्यक्ति जो काम करे उसे भोगे। मेहनत मैं करूंगा तो इसका भोग भी मैं ही करूंगा, भला दूसरा क्यों भोगेगा? अरे हाँ या ना। अब दूसरी बात कि काम को त्याग देना, काम के दो अर्थ हैं। कामायनी मानती है कि काम का त्याग गलत है। कैसे? काम के दो अर्थ। पहला, सही समझ रहे हैं आप, सेक्स।
और दूसरा कर्म। व्यक्ति दूसरे अर्थ में अगर कर्म ना करे तो क्या वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा? नहीं होगा। अब पहले अर्थ में सेक्स यानी संतति, सेक्स किसके लिए जरूरी है? संतान के लिए। पुरुष और नारी दोनों मिलते हैं, विवाह के बाद उनका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन विकसित होता है, घर में नन्ही किलकारियां गूंजती हैं, तब तो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य चलता रहता है। गीता भी कहती है परिवर्तन संसार का नियम है। यानी मनुष्य के लिए दोनों काम जरूरी है। मनुष्य का अस्तित्व बना रहे इसके लिए पहला काम जरूरी है और संसार में उत्पादन चले, संसार में उत्पादकता चलती रहे, इसके लिए यह कर्म जरूरी है। काम के दो अर्थ। कामायनी कहती है काम मन की ऊर्जा है। काम क्या है दोस्तों? मन की ऊर्जा है जो इच्छा से प्रेरित होती है। किससे प्रेरित होती है? अब मान लीजिए एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करे। हुआ क्या था, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त लगा दिया, अंग्रेजों ने उच्च मालगुजारी लगा दी। भारत के किसान बेचारे दिन रात मेहनत करते थे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई नगदी फसल उगाओ। एक तो मालगुजारी दर बहुत उच्च थी, लगान बहुत हाई था, किसान दिन रात मेहनत करते थे और पता चलता था कि अपनी मेहनत महाजन उठा के ले जाते थे या जमींदार उठा के ले जाते थे, खाने को कुछ बचता नहीं था। ऐसे में किसानों ने खेती छोड़ दी और खेती छोड़ करके शहरों में पलायन करना शुरू किया। धीरे धीरे ग्रामीण व्यवस्था शहर में रूपांतरित होने लग गई और किसान विस्थापित होकर के शहरों में मजदूर बनने लग गए। किसान अगर अपनी मेहनत की रोटी नहीं खाता, गोदान में एक डायलॉग है कि बैसाख तो किसी तरह कटा मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं, खाने वाले पांच पांच पेट और घर में अनाज नदारत। दोनों जून ना सही एक जून तो मिले, जून माने सुबह शाम वक्त, भर पेट ना सही आधा पेट तो मिले, भला भूखे पेट निराहार कोई कै दिन जी सकता है। किसानों को अपनी मेहनत का मेहनताना अनाज नहीं मिला, किसानों ने खेती छोड़ना शुरू किया, गांव का विस्थापन शहर में। अब इसी बात को समझिए, कामायनी कहती है, कामायनी कहती है कि भाई हम तो हैं मेहनत करेंगे लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल चाहिए, भोग चाहिए। हम काम करेंगे उसका भोग चाहिए। इसीलिए कामायनी कहती है कि ऐ मनुष्य, ऐ लोगों, अपनी मेहनत को समझो। अकेले तो हो, आप अकेले ही हैं ना? अरे 1000 आईएएस में सीटें हैं, क्या एक सीट नहीं ले सकते हो? बस मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। जरा पकड़िए कामायनी क्या कहती है बात को। कहती है रचना कामायनी, एक तुम कहां, आप सोचते हो कि 10 लाख लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, आप ये तो सोचिए आपको एक सीट चाहिए। एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, इतना बड़ा संसार है भाई। एक तुम और विस्तृत भूखंड और जो पूरा संसार है, पूरी जो प्रकृति है, इसमें वैभव ही वैभव, संपत्ति ही संपत्ति है। प्रकृति वैभव से भरा आनंद। एक लाइन नीचे की पंक्ति देखिए, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद।
कामायनी का दर्शन आनंदवाद है। कामायनी की विचारधारा समरसता है, कामायनी की जो विचारधारा है वो शैवाद्वैतवाद है। सत्यम शिवम सुंदरम, आनंद उसी के जीवन में आएगा जो जड़त्व से चेतना में बढ़ेगा, अर्थात जो निष्क्रिय हो जाए, जो कर्म कोढ़ी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। लेकिन आलस्य को त्यागिए, मेहनत कीजिए, सुबह उठ करके हाथ मुंह धो करके थोड़ा जॉगिंग सॉगिंग करके बढ़िया नाश्ता लेकर के 2-3 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। हर रोज 2-3 घंटे पढ़ के तो देखिए आईएएस बनने के लिए 12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस निरंतर 2-3 घंटे चाहिए और देखिए साल भर के भीतर आपका ये जो कर्म है वो भोग देता है कि नहीं, यानी कर्म की उपलब्धि। ऐसे में कामायनी समझाती है कि अकेले तो हो, इतनी बड़ी दुनिया है और पूरे संसार में वैभव ही वैभव भरा है, और संसार कैसा है, मंद नहीं अमंद है, गतिशील है। तो इस संसार को भोगेगा वही जो कर्म करेगा, और जो कर्म करेगा वही भोगेगा। प्रेमचंद गोदान लिखते हैं, उसमें होरी कहता है कि हमने अच्छा कुछ किया नहीं तो भोगे कहां। इसलिए होरी बेचारा उदास है, कहता है कि इस जन्म में हम राज पाठ नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना मोटा झोटा पहनना चाहती हैं और मर्जाद के साथ जीना चाहती हैं। वो कहता है क्या खाकर मोटे हुए हो भाई, मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो ना मर्यादा की सोच हो। खबरदार होशियार, आप होरी मत बनिए, आप निराश मत होइए, आप मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत का जो मेहनताना है, जो उसका फल है, उपलब्धि है, उसे छोड़िए मत। मेहनत मैं करूंगा तो मैं ही उसका भोग करूंगा, या मेरा परिवार, मेरे बच्चे करेंगे, कलेक्टर आप बनेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि पूरे संसार के कल्याण के लिए सोचिए। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी मेहनत करे, गांधी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति यदि सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। गांधी ने कहा था अपने को सुधार लो। गांधी ने कहा था कि कर्म करो डू, और उससे बेहतर नहीं कर पाते हो तो डाई, मर जाओ। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर कर्म करेगा तो कर्म से, मेहनत से जो उपलब्धि मिलेगी उसे भोगेगा, भोगने के बाद उसे फिर प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा से फिर कर्म करेगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जब आप मेहनत करते हैं और उसके पैसे आते हैं, उस पैसे से घर में चीजें खरीद के आती हैं, तो पिताजी फिर से मेहनत करते हैं, इस बार ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा खुशियां आएंगी। यानी कामायनी सिखाती है कि काम से भागिए मत, भोग से भागिए मत। काम और भोग दोनों जीवन में बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अब इसका अगला पहलू पर विचार कीजिए। ये जो रचना है समाज की सभी विषमता को खत्म करने के लिए, कहती है कि काम को अध्यात्म से जोड़िए। आज तक जितने भी दर्शन रहे वो काम का विरोध करते आए, भोग का विरोध करते आए, अब तो काम को ही आध्यात्मिक रूप में लें। बहुत सी महिलाओं के साथ व्यभिचार नहीं, देखिए कितना सधा हुआ इसका दर्शन है, लेकिन दाम्पत्य जीवन जरूरी है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण नहीं, लेकिन एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर के जीवन तो बसा सकते हैं। दोनों अपनी अपनी कर्मशीलता करें तो उनका घर सुंदर, और ऐसे हर पुरुष महिला हो तो पूरा संसार सुंदर। आज की समस्या क्या है? महिला और पुरुष के बीच बढ़ता हुआ तनाव, विवाह विच्छेद, शादी जैसे या विवाह जैसी जो संस्थाएं हैं वो बिखर रही हैं, परिवार बिखर रहा है, क्योंकि दोनों का मन नहीं मिल रहा है। एक को लगता है कि मैं बहुत वैज्ञानिक हूं, एक को लगता है कि मैं बहुत भावुक हूं।
ना तो अतिशय भावुक बनिए ना अतिशय बौद्धिक बनिए, दोनों के बीच सामंजस्य कीजिए। कामायनी विषमता को खत्म करने के लिए इसमें तीन पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा। पकड़े रहिएगा, मनु मन के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? मन के। श्रद्धा यानी भावना और ईड़ा का अर्थ बौद्धिकता। कमाल का दर्शन है इस रचना का। मन तभी संतुलित होगा जब मन के दो हिस्से, इधर देखिए हृदय और बुद्धि, भावना और बौद्धिकता, दोनों में अगर तालमेल हो जाए तो मन कैसा होगा? संतुलित होगा। और दोनों में तालमेल ना हो तो मन किसका शिकार होगा? द्वंद का, दुविधा का। हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा अंतर द्वंद चल रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। इसके विपरीत ये रचना सिखाती है कि दोनों में तालमेल हो। इसीलिए मनु नाम का नायक दोनों का जब सामंजस्य करता है, श्रद्धा यानी भावना, ईड़ा यानी बौद्धिकता, तो मनु को विषमता की जगह समरसता की प्राप्ति होती है। पूरी कहानी है, कहानी को जब आप सुनिएगा तो और आनंद आएगा। मनु को आनंदवाद की प्राप्ति होती है। अब इसको जरा दूसरे अर्थ में लीजिए। आज की समस्या क्या है? भावना का जन्म धर्म से हुआ और बौद्धिकता का जन्म विज्ञान से हुआ। पकड़े रहिएगा, एक तरफ भावना है जिसका जुड़ाव धर्म से, एक तरफ बौद्धिकता है जिसका जुड़ाव विज्ञान से। हम भारत वाले भावना प्रधान हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। और जो सिर्फ भावना में होगा वो यातना में होगा, क्योंकि कोरी भावुकता जो है वो अंधविश्वास को भी जन्म देती है, और जो कोरी भावुकता है वो मूर्खता है। इसलिए आज जितना इमोशनल है वो उतना बड़ा फूल है, एक अंग्रेजी का शब्द, इमोशनल फूल। दूसरी तरफ पश्चिम के देश सिर्फ विज्ञान में जीते हैं, अपने आप को रेशनल कहते हैं, जो जितना आज बौद्धिक होगा अपने आप को स्मार्ट कहता है ऐसा लोग, और ऐसे स्मार्ट लोग हमारी और आपकी परिभाषा में धूर्त हैं। ना तो मूर्ख बनिए ना तो धूर्त बनिए, ना अतिशय भावुक बनिए ना अतिशय बौद्धिक बनिए, जरा दोनों का सामंजस्य तो कीजिए। इसे ही नीति शास्त्र में भावनात्मक समझ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसी समझ जो भावना से जुड़ी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस, और एक ऐसी भावना जो समझ या बौद्धिकता से प्रेरित हो। इसीलिए कामायनी में विषमता का कारण, एक तरफ भारत जैसे देश जो पूरी तरह भावुक है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश जो पूरी तरह बौद्धिक हैं। ये रचना कहती है, विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान। एकदम शुरू की पंक्ति याद कीजिए, यही विषमता है। जबकि रचना क्या कहती है? कहती है कि यह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली। आज हमें क्या जरूरी है? आज का मानव तभी विकसित होगा जब उसके पास भावना भी हो, बौद्धिकता भी हो, जब उसके पास विज्ञान भी हो, धर्म भी हो, दोनों को मिला दें तो इसे ही सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG गोल, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है ना, 17 उसके लक्ष्य। तो
विषमता तब खत्म होगी जब समरसता आएगी। समरसता कैसे आएगी? सामंजस्य से आएगी। और इसीलिए यह रचना कहती है कि ना तो अतिशय भावुक बनिए ना अतिशय बौद्धिक बनिए, दोनों के बीच सामंजस्य कीजिए, अर्थात भावनात्मक समझ लाइए। इसे ही नाम दिया गया संवेदनात्मक ज्ञान। सुना है आप लोगों ने, इसे ही आनंदवाद, इसे ही समरसता। इसे ही क्या नाम दिया गया? समरसता। कमाईनी कहती है कि कहां दुखी हो रहे हो, दुखवाद क्यों? आखिरी पहलू पर विचार कीजिए। इसका दर्शन जो है वह दुखवाद का विरोधी है। किसका विरोधी है? दुखवाद का विरोधी। और दुखवाद क्या है दोस्तों? दुखवाद ये मानता है कि जो लोग यह मान लेते हैं कि कल मर जाना है, तो कल मर जाना है यानी उनके मन में मृत्यु बोध आ जाता है, उन्हें लगने लगता है कि जीवन नश्वर है। अब जो लोग ये मान लेते हैं कि कल मर जाना है, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, क्रिकेटर युवराज सिंह, उसे कैंसर की बीमारी हुई। हालांकि ईश्वर की कृपा से अब बिल्कुल वो भले चंगे हैं, ईश्वर सबको ऐसे ही निरोग रखे। अब युवराज सिंह की मां हॉस्पिटल पहुंचती थी उस दौरान जब वो बीमार थे, और कहा करती थी कि बेटे तुम्हारे दोस्त की शादी 3 महीने बाद है। तो युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पता नहीं अब आगे के 3 महीने में जिंदा रह पाऊंगा। जो लोग ये सोच लेते हैं कि कल मर जाना है, वो आज इसी दुखवाद में जीते हैं। और दुखवाद में जीने वाले दो ही काम करते हैं, या तो घोर निराश हो जाते हैं या दूसरों की जिंदगी छीनने लगते हैं। दुखवाद दो दृष्टियों को जन्म देता है, एक वैराग्यवाद और एक अतिशय भोगवाद। जब कल मर जाना है तो सब कुछ छोड़कर चलो पहाड़ पर चल लें, घर परिवार छोड़ दिया, पहाड़ पर चले गए, कल तो मर ही जाना है। अपने आप बूढ़े बुजुर्ग जब मृत्यु के निकट पहुंच जाते थे मरण सैया पर, तो उन्हें ले आके हम लोग काशी बनारस छोड़ आते थे। अब क्या संसार से माया मोह। और दूसरी तरफ कुछ लोगों को ऐसा पता चल जाए कल तो मरना ही है, तो चलो बम से पूरी दुनिया उड़ा दें, दुनिया को तबाह कर दें। ये रचना कहती है कि ये जो दुखवाद है वो जीवन को पूरी तरह तहस नहस करता है। ना तो वैराग्य चाहिए ना अतिशय भोग चाहिए। रचना कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, वैराग्य केवल जीवन का सत्य नहीं है और अतिशय भोगवाद भी जीवन सत्य नहीं है। रचना कहती है कि अपने में सब कुछ भरकर मानव अपना कैसे विकास करेगा। दूसरों की मेहनत भी छीन करके आप सामाजिक विषमता को जन्म देंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र में भी इस बात की चर्चा की गई है कि जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शांत नहीं कोलाहल होगा, रण नहीं कम होगा। संसार को सुखी देखना चाहते हैं तो समरसता चाहिए। समरसता के लिए उत्पादन के संसाधनों का संतुलित विभाजन चाहिए। ये रचना कामायनी, इसमें जयशंकर प्रसाद की देखिए सोच, उनका जो दर्शन है, उनकी जो विचारधारा है कि यदि कल मर जाना है तो फिर ये सोच लेना कि भाई पता नहीं आज क्या होगा और ऐसे में निराश क्यों बैठना। विश्व युद्धों के दौरान एक दर्शन उत्पन्न हुआ अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ही वास्तव में दुखवाद है।
लोग सोचा करते थे कि पता नहीं कब एक एटम बम आएगा और जीवन लीला को समाप्त कर जाएगा। ऐसे में लोग निराश हताश बैठे रहते थे। इस पर एक मूवी भी बनी, अगर आपको याद हो, शाहरुख खान की, कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, जो है समा जी भर जियो, क्या है पता कल हो ना हो। क्षणवाद दुखवाद से व्यक्ति क्षणवादी हो जाता है, उसके सामने जो क्षण है उसी में जीने लगता है, वो भविष्य को नहीं सोच पाता है। इसीलिए कामायनी कहती है कि अज्ञात जटिलताओं का दुख के डर से, अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, तुम काम से झिझक रहे हो भविष्यत से बन अनजान। जिसको लग जाता है कल मर जाना है, वो आज मेहनत नहीं करता, काम धाम छोड़ देता है और फिर भविष्य उसका और अंधकार में चला जाता है। इसीलिए रचना सिखाती है कि ना तो वैराग्य जरूरी है। शादी करके लाए, पत्नी को घर में छोड़ करके चले गए पहाड़ पे तपस्या करने, ये एकदम गलत बात है। परिवार को पालिए, मेहनत कीजिए, कलेक्टर बनिए आप भी, सौंदर्य से परिपूर्ण पूरा संसार भी। और दूसरा अर्थ भी नहीं कि पूरी दुनिया का जो हिस्सा है वो आप सब कुछ अकेले लूट लें, इससे विषमता जन्म लेती है, इससे भोगवाद जन्म लेता है, इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, जमाखोरी, नाम सुना है, कालाबाजारी, जमाखोरी जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए कामायनी कहती है कि वास्तव में समरसता क्या है, अपने में सब कुछ भरकर मानव अपना कैसे विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है। स्वार्थ से मुक्त होइए और क्या कोशिश कीजिए, आखिरी बात, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। क्या कमाल का दर्शन है, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। ये सब निबंध में लिख दीजिए तो नंबर बढ़ेंगे कि घट जाएंगे। कामायनी कहती है कि समरसता स्थापित कीजिए। कामायनी कहती है कि कर्म को अध्यात्म से जोड़िए। कामायनी कहती है कि आनंदवाद की प्राप्ति कीजिए, और ये तब संभव है जब स्वार्थी आप ना बने, जब मेहनत करना छोड़ करके आप वैराग्यवादी ना बने। मतलब कि औरों को हंसते देखो, आप स्वयं हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, अपनी मेहनत करें, दूसरे खुद ही आपको देखकर मेहनत करेंगे। समाज में, संसार में मार काट, विषमता, ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, ये नक्सलवाद जैसी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिना। गांधी इसी बात को कहते हैं कि भाई सर्वोदय होना चाहिए, सबका उत्थान। और इसी बात को जेएस मिल, अगर आपने नाम सुना हो, जेरेमी बेंथम, हेनरी सिजविक, नीति शास्त्र में पढ़ेंगे, वो कहते हैं उपयोगितावाद। ये क्या है उपयोगितावाद? अधिकतम लोगों के जीवन में अधिकतम सुख हो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसी बात को गौतम बुद्ध कहते हैं, बहुजन हिताय, बहुत से लोगों का हित हो, संसार का कल्याण हो। और इसी बात को हमारे शास्त्र कहते हैं, किसी को दुख तकलीफ ना हो, मां कश्चित दुख भाग भवेत, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय। और इसी बात को गोदान में कहा गया, देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे आप लोग। गोदान में होरी कहता है, 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है।
इसमें भला क्या सुख है, यह तो बेहयाई है, यह तो स्वार्थ है। अरे सुख तो तब है जब सभी सुखी हों, सभी मोटे हों, सर्वे भवंतु सुखिना। आनंदवाद, समरसतावाद। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न था, कमाईनी आज भी प्रासंगिक कैसे है। कमाईनी कहती है, एक ऐसा ज्ञान हो जो इच्छा से प्रेरित हो, एक ऐसी क्रिया हो जो दोनों से संतुलित हो। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न पाए यही विडंबना जीवन की। आप इच्छा शक्ति लेके आए, उसके अनुरूप क्रिया करें और क्रिया ज्ञान से प्रेरित हो। पता चला कि हम आईएएस की इच्छा लेके आ गए, दिल्ली या किसी नगर में बस गए, और जो क्रिया कर रहे हैं वो एसएससी की, और जो ज्ञान है हमारे पास वो बैंकिंग वाला है, तब तो हो गया ना ढाक के तीन पात। ऐसे में इच्छा, क्रिया और ज्ञान, तीनों का सामंजस्य बैठा दीजिए, यही आनंदवाद है, यही समरसतावाद है, यही कामायनी का दर्शन है, जिसे आप कई नाम से, प्रत्यभिज्ञवाद, कश्मीरी शैववाद, शैवाद्वैतवाद, आनंदवाद, कई नामों से कामाध्यात्मवाद। तो कामायनी का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। ये रचना कहती है, इच्छा का त्याग मत कीजिए, इच्छा के अनुरूप कर्म कीजिए, कर्म से जो फल उत्पन्न हो, जो उपलब्धि आए, उसे भोगें ताकि फिर से आप कर्म करें। हाँ या ना, समझ पा रहे हैं? ये रचना संसार को मिथ्या नहीं मानती, कहती संसार सत्य है, जीवन में काम से भागिए मत। ये रचना कहती है, इच्छा का अनादर मत करें बल्कि इच्छा का आदर करें, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। ये रचना भावना और बौद्धिकता में तालमेल बैठाने की बात करती है। इतना ही नहीं, ये रचना कहती है कि मृत्यु बोध और दुखवाद नहीं बल्कि उससे बचिए। ठीक है, मरना है लेकिन लंबी जिंदगी है, तो लंबी जिंदगी का आनंद उठाएं, जिंदगी में निराशा से बचें। ये रचना निराशा से आशा की ओर ले जाती है। ये रचना जो लोग काम से भागते हैं, अकर्मण्य होते हैं, निष्क्रिय, उन्हें कर्मण्य और सक्रिय बनाती है। ये रचना मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, पूरे संसार के मंगल की बात करती है। आसान है, लिख लेंगे, लिख लेंगे। मान लीजिए प्रश्न आ जाए, कामायनी क्यों आज भी प्रासंगिक है, या कामायनी के दर्शन की समीक्षा करें, या कामायनी का क्या उद्देश्य है, या कामायनी की वैचारिकता पर चर्चा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक को, और फिर रेगुलर क्लास जब हम लोग लेके चलेंगे, 3 जनवरी से हम लोग की रेगुलर क्लास होगी, तो एक एक टॉपिक को ऐसे ही विस्तार से, यहाँ तो बहुत संक्षेप में देखा, क्लास में हर चीज को समझा के उसे लिखा करके हम आपको देंगे पीडीएफ के साथ, और आनंद आएगा। नमस्ते दोस्तों।